गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने देखा था कि जो गाउस लॉ होता है, गाउस लॉ क्या होता है, गाउस लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम से कैसे व्युत्पन्न किया जाता है वो देख लिया था। इसके बाद आज अपन देखने वाले हैं कि अपने पास जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है गाउस लॉ की, तो जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस में आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना, और उस सिलेबस की यूनिट नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप देखोगे तो आपका ये लास्ट टॉपिक दे रखा है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, कि मुझे डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है गाउस लॉ की। गाउस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म भी होती है, इंटीग्रल फॉर्म भी होती है, समाकलन के रूप में भी होता है गाउस का नियम और अवकलन के रूप में भी होता है। तो वही अपन को यहाँ पे देखना है कि वो कैसे किया जाता है और इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म आती है वो क्या आती है। तो आज अपन जो भी बात करने वाले हैं वो इसी की बात करने वाले हैं कि जो भी गाउस नियम का अवकलन रूप है, ये टॉपिक क्या हो जाएगा अपने पास, गाउस नियम का अवकलन रूप। तो इसी अवकलन रूप को अपन को लिखना है। तो कैसे लिखते हैं इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट यदि मैं बात करता हूँ इसके टॉपिक पे चलते हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा अपने पास गाउस नियम का अवकलन रूप। यानी डिफरेंशियल फॉर्म आएगी किसकी, गाउस लॉ की, ठीक है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि डिफरेंशियल फॉर्म में गाउस लॉ से क्या क्या मीनिंग निकलता है। तो फर्स्ट मुझे पता है कि फ्लक्स, सबसे पहले होता है कि बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मीनिंग किया मेरे पास फाइन, यानी मुझे फाइन निकालना। तो मुझे पता है कि कोई भी क्लोज सरफेस एरिया होता है उससे जो फ्लक्स इनकमिंग या आउटगोइंग होता है या उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वही उसका क्या होता है, एक तरीके से फ्लक्स होता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए यदि मैं इसका फ्लक्स लिखता हूँ तो वो मैं लिखता हूँ किससे, फाइज इक्वल टू क्या आता है, इंटीग्रेशन EdS, क्या आता है EdS, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सभी को पता है कि किसी का भी फ्लक्स अपन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो जो भी अपने पास क्लोज सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो इसका क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि φ = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन EdS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EdS। अब मुझे पता है कि जो गाउस का नियम होता है, गाउस नियम कहता है अपने पास कि φ = क्या हो जाएगा अपने पास Q/εo। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो गाउस नियम कहता है वो क्या कहता है, Q/εo क्या हो जाएगा अपने पास εo। ये अपने पास क्या है, गाउस नियम है। अब मुझे पता है कि गाउस नियम भी यही बताता है कि कोई भी क्लोज सरफेस एरिया के अंदर जो अपने पास फाई होता है वो कितना होता है, Q/εo के इक्वल होता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक क्लोज सरफेस एरिया है उसमें बहुत सारे क्यू है, तो उसको मैं समेशन Q/εo भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो ये भी फाई है और ये भी फाई है, यानी अपने पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा अपने पास कि अपने पास जो इंटीग्रेशन E·dS वेक्टर होता है किसके इक्वल होगा, मेरे पास Q/εo के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब मुझे यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं तीन टर्म ले रहा हूँ, आपको एक बार समझाने के लिए तीन टर्म ले रहा हूँ, बट मुझे एक ही टर्म काम में लेनी है। आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले होती है रैखिक चार्ज डेंसिटी, क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रैखिक आवेश घनत्व। मैं थोड़ा सा आपके सामने ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। यदि फर्स्ट एक पॉइंट आता है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या आता है अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक आता है मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक आता है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी जिसे अपन बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। फिर आता है आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व,
पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक आता मेरे पास क्या आयतन आवेश घनत्व। कहाँ कहाँ पर ये कौन सी चीज़ कौन सा आवेश घनत्व काम में लेते हैं। यदि मैं कह सकता हूँ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या आएगा आपके पास कि यदि मान लो कि कोई छड़ है कोई रॉड है उस पर समान रूप से आवेशित है, क्या है आपके पास समान रूप से आवेशित है, जो समान रूप से आवेशित होता है तो उसमें मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, इसको मैं लिखता हूँ किससे लैम्डा से, क्या आता है लैम्डा क्यू बाय एल, क्या आता है लैम्डा क्यू बाय एल। तो ये तो क्या होती है अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी जो भी अपने पास रॉड की लेंथ है वो क्या है एल है और उसमें जो टोटल चार्ज है वो क्या है क्यू है, तो वो क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। तो ये लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ये लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एकांक लंबाई में जो चार्ज होता है वही क्या है उसकी चार्ज डेंसिटी है। ऐसे कैसे मैं दूसरी बात करता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की, कौन सी बात करता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी बात करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, नीचे सरफेस होना चाहिए, यानी मैं इसको लिखता हूँ किससे, इसको मैं लिखता हूँ किससे रो से, या तो मैं लिख सकता हूँ इसको सिग्मा से, इसको किससे लिखता हूँ सिग्मा से, सिग्मा अपॉन में क्यू अपॉन में क्या आता है एस आता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी ए या डी एस भी लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या अपने पास एक तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये किसको शो कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ये कब बहुत काम में लेते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा सरफेस ले लिया जो सरफेस पर, अब जैसे मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर पर आपके पास जो भी चार्ज है वो क्या यूनिफॉर्मली वितरित है यानी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या निकालता हूँ हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालता हूँ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब निकालते हैं, जब माने मान लिया कि कोई ऐसा स्फीयर है या ऐसा कोई गोला है जिसके अंदर पूरा का पूरा आवेश भरा हुआ है, यानी उसके अंदर आवेश है वो समान रूप से वितरित है, जब उसका आवेश समान रूप से वितरित है तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्या होगा आपके पास आयतन आवेश घनत्व होगा। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वी, यानी मैं लिख सकता हूँ कि एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश है वही क्या है आयतन आवेश घनत्व है, एकांक सरफेस पर जो उपस्थित आवेश है वो क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और एकांक लंबाई में जो उपस्थित आवेश है वो क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो ये तीनों टर्म आपको ध्यान में रखनी है, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि अपने पास चार्ज डेंसिटी में कौन से डायग्राम में कौन से स्टेट में कौन से कंडीशन में कौन सी डेंसिटी निकाली जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये निकाली जाती है हमेशा एक लंबाई के लिए, ये निकाली जाती है सरफेस के लिए, और ये निकाली जाती है किसी भी वॉल्यूम के लिए यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की बात करता है। तो अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है कि मुझे इसका गाउस नियम का अवकलन रूप काम में लेना है, तो मैं यहाँ से एक ये वाली टर्म काम में लूँगा, कौन सी आयतन आवेश घनत्व वाली टर्म। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है मुझे पता है कि ये क्या होता है रो डी क्यू बाय क्या होता है डी वी होता है, तो मुझे ये वाली टर्म काम में लेनी है, तो इसको मैं लिखते हैं। तो ये वाली टर्म है जो आपको कंप्लीट याद भी रहनी चाहिए कि ये तीनों टर्म क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने एक जस्ट शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है कि ये तीनों टर्म क्या क्या होती है और तीनों के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, तो आपको ये तीनों टर्म इसमें क्या करनी है ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें अपन को एक टर्म की जरूरत पड़ रही है, कौन सी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो यदि मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, तो यदि मैं लिखता हूँ आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से, ये क्या हो जाएगा मेरे पास आयतन आवेश घनत्व यानी रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा डी वी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा रो और साथ में क्या हो जाएगा डी वी हो जाएगा। यदि मुझे क्यू का मान निकालना है तो क्यू का मान निकालने के लिए क्या करूँ, तो क्यू निकालने के लिए इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा डी क्यू का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास रो डी वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा रो डी वी, यानी कि मैं क्यू का मान समीकरण तीन में रखता हूँ, क्या रखता हूँ क्यू का मान समीकरण तीन में रखता हूँ, तो ये वाली वैल्यू क्या निकलती है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्यू का मान, क्यू का मान किस में रखते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड में यानी समीकरण तीन में रखने पर, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या E, यहाँ पे क्या था इंटीग्रेशन E डॉट का ds, यहाँ पे क्या था अपने पास Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो वन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या रह जाएगा अपने पास रो dv रह जाएगा, Q का मान रखा है तो Q का मान क्या आ जाएगा रो dv आ जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि मुझे क्या बताएं यहाँ से अपने पास एक थ्योरम काम में लेते हैं, कौन से थ्योरम, देखो यहाँ पे है सरफेस और यहाँ पे है क्या
वॉल्यूम, तो मुझे पता है कि सरफेस एक साइड पृष्ठीय समाकलन है, एक साइड कौन सा है आयतनीय समाकलन है, कौन सा है, एक साइड पृष्ठीय समाकलन है और एक साइड कौन सा है अपने पास आयतनीय समाकलन है। तो देखो ये वाला तो है अपना सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन है, और ये वाला कौन सा है अपने पास आयतन समाकलन। तो अपन ने दो थ्योरम पढ़ी थी, दो थ्योरम क्या क्या पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और एक पढ़ी थी स्टॉक कर्ल थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी पृष्ठीय समाकलन होता है उसको मैं आयतन में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसका डाइवर्जेंस लेके, और जो स्टॉक कर्ल थ्योरम है वो क्या कहती है कि कोई भी रेखीय समाकलन है उसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ सरफेस इंटीग्रल में। तो यहाँ से मैं कौन सी थ्योरम काम में लूंगा, मुझे क्या करना है इधर भी डीवी बनाना है, इधर भी क्या बनाना है डीवी बनाना है, यानी इस सरफेस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है वी में कन्वर्ट करना है, यानी पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ पर वैल्यू आएगी अपने पास कौन सी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार वो आ जाएगा अपने पास क्या, गाउस डाइवर्जेंस यदि थ्योरम की बात करते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास क्या इंटीग्रल, यहाँ पे क्या अपने पास ईडीएस है ये, तो ईडीएस किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा अपने किस पास किस में वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी वी और यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम इंटीग्रल। यानी मैं कह सकता हूँ कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सरफेस इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम में। अब इसकी जगह मैं ये वाली टर्म लिख सकता हूँ, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर, क्या दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर, और यहाँ पे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फाइव। तो इक्वेशन फोर और फाइव से क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन फोर और फाइव से क्या आएगा, इक्वेशन फोर और फाइव से आएगा कि मेरे पास जो ईडीएस था उसकी जगह मुझे क्या लिखना है डेल डॉट ई वेक्टर, साथ में क्या हो जाएगा डीवी हो जाएगा, इधर क्या था अपने पास वन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इधर क्या था अपने पास रो डीवी, क्या था अपने पास रो डीवी। अब यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ, क्या करता हूँ यदि मैं इसको क्या करता हूँ कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर करने पर इसका रिजल्ट क्या आता है वो अपन को देखना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डेल डॉट ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयर करने पर क्या है यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है, क्या है आपके पास यहाँ पे क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ये भी क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है तो ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल का सिंबल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो डेल डॉट ई वेक्टर है वो क्या आ जाएगा अपने पास रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और मुझे पता है कि जो गाउस लॉ होता है वो क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यदि मैं उसी की अवकलन टर्म को कन्वर्ट करता हूँ या अवकलन वाली टर्म लिखता हूँ तो वो क्या आता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है अपने पास गाउस नियम की गाउस नियम का क्या है अवकलन रूप है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यही क्या हो जाएगा गाउस नियम का अवकलन रूप हो जाएगा। तो ये अपना जो आज का टॉपिक था वो था अपने पास गाउस का नियम क्या होता है, गाउस के नियम से क्या समझते हैं। तो देखो गाउस से रिलेटेड अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में तीन टॉपिक है, पहले तो है गाउस का नियम का अवकलन रूप, एक है गाउस नियम का व्युत्पन्न करना इनवर्स स्क्वायर लॉ से, और एक था आपके पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये तीन टॉपिक थे गाउस से रिलेटेड, एक तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक गाउस नियम को इनवर्स स्क्वायर लॉ या व्युत्क्रम वर्ग नियम से व्युत्पन्न करना, और एक था उसकी अवकलन वाली टर्म। तो ये अवकलन वाली टर्म में कई बार डेड नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इसीलिए अपन ने ये गाउस वाली थ्योरम की है। तो इस तरीके से अपन ने जो भी ये चैप्टर है यहाँ पे ये चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो आप एक बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपके लिए बिल्कुल नया है, तो अपने आप जो भी अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, वहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, और जिस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं मान लो कि आप सेशन 22-23 में हैं 23-24 में हैं, तो जो भी आपका सेशन है उस सेशन से वहाँ का सिलेबस डाउनलोड करना है, बीएससी का है तो बीएससी का, बीएससी बीएड का है तो बीएससी बीएड का, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके आपको सब्जेक्ट में देखना है कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में कितने चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक है, और अपन ने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो इसमें सिलेबस में क्या कई बार चेंज होता रहता है, एक से बार दो साल या तीन साल पहले की बात है जब इसमें ये वाली जो अपन ने अभी तक आज तक पढ़ा है वो पूरी की पूरी यूनिट नंबर फर्स्ट थी, वो क्या थी पूरी की पूरी यूनिट नंबर फर्स्ट थी,
और इसके बाद जो इलेक्ट्रोसिटी वाला या इलेक्ट्रोस्टेटिक्स वाला कंसेप्ट था वो पूरा का पूरा यूनिट नंबर सेकंड में था, बट कुछ टाइम पहले वो चेंज कर दिया गया, वो जो यूनिट सेकंड थी वो भी इसमें मिक्स कर दी गई। यानी अब इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में जो अभी का सेशन है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में एक तो आपका ये वाला चैप्टर है और इसी के साथ जो दूसरा चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का है, यानी विद्युतीय आवेश के बारे में जो फील्ड है वो है, तो उसका कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अपन ने अभी तक यूनिट नंबर फर्स्ट का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, उस चैप्टर का नाम था अधिश क्षेत्र सदिश क्षेत्र। इसमें अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े वो एक बार मैं आपके सामने बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था और अपन ने क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े है। तो फर्स्ट तो अपन ने बात की थी किसकी, डेल ऑपरेटर की। फर्स्ट अपन ने किसकी बात की थी, डेल संकारक की, कि डेल संकारक क्या होता है। उसके बाद मैंने बात की थी अवकलज संकारक की, अवकलज संकारक ये भी डेल ऑपरेटर ही है एक तरीके से, ये अवकलज संकारक ये एक सेम ही है दोनों, ठीक है। फिर अपने पास आता है आंशिक अवकलज, इसकी भी बात की थी अपन ने, आंशिक अवकलज। फिर अपन ने बात की कौन सी, आंशिक अवकलज के बाद पार्शियल डिफ्रेंशिएट के बाद अपन ने बात की कौन सी, डाइवर्जेंस यानी अधिश क्षेत्र की प्रवण, अधिश क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्र, अधिश क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्र इसकी भी बात की थी। उसके बाद अपन ने बात की अधिश क्षेत्र की प्रवणता, अधिश क्षेत्र की प्रवणता। इस प्रवणता में मैंने क्या देखा, इस प्रवणता में ये देखा कि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देखा और इसका जो अपने पास टॉपिक था अधिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, क्या इसका फिजिकल मीनिंग होता है, क्या किसमें ये चेंज निकालता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है वो भी देखा। फिर अपन ने देखा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस देखा। फिर अपन ने देखा कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस से हम क्या समझते हैं, क्यों यूज में लिया जाता है, परिनलिका क्षेत्र के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंस कब पॉजिटिव होता है, डाइवर्जेंस कब नेगेटिव होता है, डाइवर्जेंस कब जीरो होता है। फिर अपन ने देखा सदिश क्षेत्र का कर्ण, सदिश क्षेत्र का कर्ण की बात की। उसके बाद अपन ने देखा कि सदिश क्षेत्र के कर्ल के बाद अपन ने जो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल था इस तीनों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उसकी बात की, यानी अपन ने कोई न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व किए, कुछ प्रॉपर्टी भी सॉल्व की। तो यहाँ से मैंने देखा कि अपने पास क्या आता है, जो न्यूमेरिकल आते वो प्रॉब्लम में आते, यानी मैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल इन तीनों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी कि या इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल थे वो मैंने किए। उसके बाद मैंने देखा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद क्या देखा अपन ने, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। इसके बाद देखा अपन ने स्टॉक कर्ल प्रमेय, स्टॉक कर्ल प्रमेय। फिर अपन ने देखा घन कोण की अवधारणा, इसके बाद देखा अपन ने गाउस डाइवर्जेंस, गाउस नियम का व्युत्पन्न। किससे, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ से, व्युत्क्रम वर्ग नियम से। व्युत्क्रम वर्ग नियम से। और फिर अपन ने लास्ट में देखा गाउस नियम का अवकलन रूप, लास्ट में कौन सा देखा, गाउस नियम का अवकलन रूप। तो जो चैप्टर फर्स्ट में अपन ने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको आ गए होंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी ये पीछे वाली क्लास अपनी नहीं देखी है, ये चैप्टर अपन ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम जीरो लेवल से, वहाँ से स्टार्ट करके अपन एंडिंग तक आए हैं, तो ये वाला चैप्टर आज इसी के साथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अपन ने ये सारे टॉपिक देखे, टॉपिक के नाम मैंने सारे लिख दिए हैं, जो जो अपन ने टॉपिक पढ़े वो सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, कि अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, फर डेल ऑपरेटर के बारे में देखा, आंशिक अवकलज के बारे में देखा, फिर अपन ने देखा क्या अधिश क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्र के बारे में, सदिश क्षेत्र क्या होता है, अधिश क्षेत्र क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जांपल रहते हैं, कैसे इसका कोई फलन होता है, किसका अधिश क्षेत्र होता है, कौन सा सदिश क्षेत्र होता है। फिर अपन ने देखा यहाँ पे ग्रेडियंट की बात की, ग्रेडियंट का मैथमेटिकल डेरिवेशन किया, इसका फिजिकल मीनिंग देखा, फिजिकल मीनिंग देखने के साथ इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, किस पर ऑपरेट होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, वो सारी चीज़ें देखी।
फिर अपन ने देखा यहाँ पे डाइवर्जेंस की बात की, डाइवर्जेंस कब पॉजिटिव होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है। यदि कोई परिनलिकीय है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो आ जाना चाहिए, किसी का भी डाइवर्जेंस जीरो आता है तो वो क्या होता है, परिनलिकीय होता है या सॉलिनॉइड होता है। तो यहाँ से अपन ने डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, फिजिकल मीनिंग भी देखा कि ये कहाँ पर यूज लिया जाता है। फिर अपन ने घूर्णन अवस्था के लिए सदिश क्षेत्र का कर्ल देखा, जहाँ पर अपन ने देखा कि कर्ल कैसे होता है, अघूर्णी भी होता है और घूर्णी भी होता है। तो जहाँ पर अघूर्णी की बात आती है वहाँ पर उसका कर्ल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो जहाँ पर कोई वेक्टर है वो अघूर्णी है तो उसका वेक्टर क्या होता है, कर्ल क्या होता है, जीरो होता है। फिर अपन ने देखा कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट रिलेटेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, जिसमें डेल ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखी है, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किए हैं। फिर अपन ने गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय देखी है, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है कि जो भी सरफेस इंटीग्रल है सरफेस को वॉल्यूम में चेंज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है। स्टॉक कर्ल प्रमेय कहती है कि लाइन प्रमेय को क्या करता हूँ मैं, एस में कन्वर्ट कर सकता हूँ कर्ल के बेस में। घन कोण की अवधारणा कहती है कि जो डी ओमेगा होता है वो क्या होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और बाकी अपन ने गाउस का नियम देख ही रखा है कि गाउस का नियम कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। तो गाउस का नियम सभी को पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। और लास्ट में जो आता है गाउस नियम का अवकलन रूप डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन में क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाली टर्म आती है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है, अपना एंड हो जाता है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अपन ने जो भी सिलेबस में आपको जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो जितने भी अपनी क्लास रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी क्लास आपके एप्लीकेशन में या यूट्यूब पर अवेलेबल है वहाँ पर ये इस क्लास को देख सकते हो और सीरीज से ये क्लास आपको मिल जाएगी। और यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका यहाँ तक क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन इसी यूनिट में जो अभी का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर सेकंड है वो यूनिट फर्स्ट में ही दे रखा है, तो अपन उसको यूनिट फर्स्ट में ही लेके चलेंगे। बाकी आप सिलेबस से हर बार अपडेट रहना, क्योंकि हो सकता है सिलेबस कभी कभार चैप्टर आगे पीछे कर लेते हैं, तो वो आप ध्यान रखना है आपको कि चैप्टर कौन सा आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर तो क्या होता है, खत्म होता है। कल अपन जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे, तो उसकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गाउस के नियम के बेस पे उसको कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से केस आते हैं, वो सारी बात किस में करेंगे, चैप्टर सेकंड में करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।